इबलीस ने एक मीटिंग की थी और छोटे छोटे शैतानों से रिपोर्ट लिया। एक शैतान आया, बोला, सर मैंने आज एक मुसलमान को शराब पिलवा दिया। वेरी गुड। चीफ इबलीस बोला, वेरी गुड। एक दूसरा शैतान आया, रिकॉर्डिंग किया, मैंने तीन चार लोगों को बलात्कारी बना दिया, रेपिस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। मोहल्ले में एक जुआ को मैंने अड्डा बनवाया, पूरा मोहल्ला जुआ खेलता है। नाइस, वेरी गुड, गुड सर्विस। सब रिपोर्ट कर रहे थे। मैंने एक आदमी से कहा, मार रखा है, कोई देख नहीं रहा, उठा ले, चोरी कर लिया। समझ रहे हो? बड़े बड़े हराम पर वो गुड बोल रहा। एक लास्ट में आया, छोटा सा था, बोला, सर मैंने कुछ नहीं किया, एक काले दिल मदरसा जा रहा था, मैंने उसको बहका दिया और वो मैदान में जाके क्रिकेट खेलने लगा, पहले उसकी पढ़ाई छोड़ा दी। बड़ी जोर से उसने कायकावा लगाया, कहा अब सारे शैतान सोचने लगे, शराब पिलाओ तो गुड, जना करवाओ तो गुड, जुआ करवाओ तो गुड, और इल्म दीन से रोक दो तो वाह 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 वाह। सारे शैतानों ने कहा, सर छोटे से काम पर इतना खुश क्यों हो गया? मदरसा जाने से रोकना, पढ़ाई से रोकना, ये सब बड़ा काम तो नहीं है, आप इतना खुश? अच्छा बताता हूँ, रात के 2 बजे इबलीस ने दरवाजा खटखटाया, एक बार के बाद गुजार तपस्वी बड़े परहेजगार 24 घंटा अल्लाह अल्लाह करने वाला, इबादत पर इबादत, सजदे पे सजदा, जिक्र पर जिक्र, तस्बीह पे तस्बीह, बड़ा दर्जा। इबलीस दरवाजा खटखटाया, अंदर से बोले, कौन? बाहर से इबलीस का, मैं जिब्राइल हूं। अच्छा, आपको मेराज कराने के लिए आया, अल्लाह ताला को आपकी इबादत बहुत पसंद है, बहुत पसंद किया जाए। कहा उसका, मैं मेरा जलवा दिखाओ। मैं जलवा तक खोला, आंख पे पट्टी बांध दिया, ये क्यों कर रहे हो? कहा, सफर में आपको खतरनाक चीजें दिखाई देंगी, अल्लाह के पास ले जाना है, आप डरे नहीं, पट्टी बांध दिया, पट्टी बांध के गधे पर बिठाया, टैंक की अगर गधा पे मैं डाला, उसे ये क्या चाहिए, बुरा है, मगर जाओ एक ऊंची पहाड़ी पर, अब गधा तू पहाड़ी पर चढ़ रहा है तो ऊपर नीचे सवारी हो रही है, बोले ये हलचल क्यों मजीब रही? बोले आप आसमान की बुलंदी होने जा रहे और ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर वहां से उसने डगे लिया। अच्छा, दूसरे घर से शैतानों को लेके जा रहा,
वो अपने वक्त का शेखुल हदीस, अपने वक्त का मुहद्दिस, मुहक्किक, उसका दरवाजा खटखटा। हजरत मौलाना ने पूछा, कौन? कहा, मैं जिब्राईल हूँ, आपके इल्म और फज़्ल से रब राजी हो गया है, मैं आपको लेने आया हूँ। अल्लाह ने कहा, गेट आउट, या हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिब्रील का नबियों के पास आना है, उम्मतियों के पास नहीं। तू मर्दूद शैतान है, मैं उम्मती हूँ, जिब्रील मेरे घर कैसे आ सकते? फिर अपने शैतानों से कहा, इबादत गुजार दोनों हैं, एक जाहिल है एक आलिम है, हम जाहिल को जहन्नम में पहुंचा दिए, आलिम को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए कि मेयार है, मुहाफिज है, कवच है, एसार है, इल्म लिबास है, ढाकता है तन को, बढ़ाता है मन को। उत्तम अल्लाह ने चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत फरिश्तों पर जाहिर हो, तो ये इल्म ही की बुनियाद। हालांकि फरिश्तों की बात गलत नहीं थी कि अल्लाह तुमने आदम को पैदा किया है, ये धरती पे खून खराबा करेंगे, फसाद करेंगे, लेकिन जब अल्लाह ने आदम कुल्ले असमा बयान करो, सब हैरत में पड़ गए, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल सारे नाम बता दिए, तो सरेंडर हो गए फरिश्ते, ये अल्लाह जो तू जानता है वो मैं नहीं जानता। जादू सब सजदी में चले गए, और इल्म इतना अच्छा होता है, इतना ग्रेट होता है, अल्लाह खुद को आता है, और बनवान अल्लाह बनवान वो अल्लाह मालूम तब उनका नब अल्लाह मतलब मालूम तब उनका नब आई चाची यू विच यू डिडंट टू नो। अल्लाह कह रहा है, नबी मैंने तुम्हें वो सब पढ़ाया जो तुम नहीं जानते थे, तो पढ़ाना सुन्नत किबरिया है, पढ़ना सुन्नत मुसम्मा आपके ऐसा कहना, आपके पढ़ाने वाले इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि वो सुन्नत किबरिया पर अमल कर रहे हैं, और आप इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि आप सुन्नत मुसम्मा में अमल कर रहे हैं। इल्म हासिल करो, चाहे जितनी बलिदान देना पड़े इल्म हासिल करो, चाहे कुर्बानी देना पड़े, और चाहे खतरनाक चाइना जाना पड़े, कुछ लोग इल्म लगता है ना बिल्कुल, इल्म को हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े, खतरनाक सफर करना पड़े, खतरनाक सफर करना पड़े। तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि एक बेहतरीन मुसलमान होना, एक बेहतरीन दुनियादार से होना बेहतर है। बना देना फिर दुनिया हसाना, हमारी दुनिया में ठीक ठाक रहे, आपकी दुनिया कितनी है, 100 वर्ष के अंदर लपेट दी जाएगी, 100 साल ग्रास करना मुश्किल है ना, तो अल्लाह हमारी दुनिया अच्छी बना दे, नहीं हमारा 100 वर्ष अच्छा बना दे। अब 100 वर्ष इम्पोर्टेंट है या लंबी आखिरत, अनलिमिटेड, इंडेफिनिट, असीमित जन्नत आखिरत पर रख कितना लंबा है, तो वो फिर आखिर वो इल्म हासिल करो, दुनिया तुम पे नाश करेगी, ये मेरे मुस्तफा का उम्मती है। दुनिया साइंटिस्ट बनो, बढ़िया एडुकेट बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, दुनिया में हलचल मचा दो, आलिम बनो, मुहद्दिस बनो, मुहक्किक बनो, आखिरत का सरमाया बनो। ये इदारा इसलिए भी मुझे अच्छा लगा कि यहाँ आपकी दुनिया भी संवारी जाएगी
तो इंशाल्लाह आखिरत में सब अल्लाह ताला आपको इस मौके से पूरा पूरा फायदा तौफीक रफीक आमीन अल्लाह व मलाइकातुहु यसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد